मिस्टर मालिम इस हेयर हब्स ड्रामे के अंदर बासित की शादी एक बहुत बड़ा इशू बन गया और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बंदे की शादी ड्रामे में किस सिनेरियो में बनेगी, क्या होने वाला है, किस तरह से इसकी शादी हो पाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे, कौन से थोड़े से अजीब। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पर फॉलो या @malim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे हम स्टार्ट कर सकेंगे बड़ी सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रामे के आगाज़ में थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ देखने को मिलती है। नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट इस तरह की चीज़ों को कवर कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा कि जहाँ पर आयशा की जो सबसे छोटी सिस्टर है उसका सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो फेशियल करवा रही होती है, तो वहाँ पर उसकी नेक के ऊपर टिड्डे ने काटा हुआ है और उस टिड्डे को काटे हुए को अगर छुपा लेते तो शायद अच्छा लगता, यहाँ पर बहुत विजिबल था। तो मेरे ख्याल से इस तरह की मिस्टेक्स भी डायरेक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ विजिबल है, अंडरस्टूड है, फिर ऑडियंस उसका मजाक बनाती है। दूसरा सीन जो मुझे सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर बासित का दोस्त उसको ये सजेस्ट कर रहा है कि यार तू किसी दारुल ईमान में चला जा, वहाँ पर जाके कोई भी मजबूर लाचार लड़की देख के उसके साथ शादी कर ले। थोड़ा सा ये अनरियलिस्टिक सीन है कि मतलब इतना सक्सेसफुल बंदा, इतना गुड लुकिंग हो, ढेर सारा पैसा हो, तो यहाँ पर शादी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अगर ड्रामे के अंदर कोई और सिनेरियो दिखाया जाता तो यहाँ पर फिर हम कह सकते थे, लेकिन जिस तरह की पर्सनालिटी बासित की दिखाई गई है और जिस तरह कीनली वो शादी करना चाह भी रहा है, देख रहा है कि कोई लड़की अगर उसको मिले तो उससे शादी कर ले, तो ऐसे में कोई इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए उसके लिए। दूसरा, अब तक जितना भी ड्रामा चला है कि मतलब मुझे ऐसा लगता रहा है कि ये ड्रामा फिरोज और उष्णा का नहीं है बल्कि यहाँ पर तलाल करेक्टर का और साथ में बानो करेक्टर का है। बहुत ज़्यादा उन लोगों को सीन मिले हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों को कवर टाइम मिला है, तो ऐसे में मेन कास्ट को, जो लीड कास्ट होती है, जिसको देखना चाहती है ऑडियंस, उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था। ऑल्दो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर वो सीन उनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर जिस तरह से बानो को दिखाया जाता है कि जाकर वो मिठाई खिलाती है, और बानो और तलाल का जो सीन दिखाया जाता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे कि आपने स्टार्ट में देखा कि बानो थोड़ी सी प्रोफेशनल लड़की थी, उसको इस तरह की लड़की दिखाया था कि जहाँ पर वो अपनी माँ को और अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी सीरियस है, फिर एकदम से मजनू बन जाती है बानो, और तलाल जो कि पहले मजनू था वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है कि मतलब लाइफ में आगे मूव करने के लिए। तो एक बड़ा ऑपोजिट रिएक्शन था दोनों का, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद डिप्रेशन की शिकार बानो आगे जाके खुदकुशी कर ले, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई तासुरात नज़र नहीं आते। अब हम जाते हैं भैया नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर बासित की शादी किस तरह से हो पाएगी, क्या बनने वाला है सिनेरियो। आखिर जब आपके पास इतनी ज़्यादा दौलत आ जाए तो क्यों आपके अंदर फजूल की अकड़ आ जाती है। आपने देखा कि वो अपनी माँ के सामने धड़ल्ले से कह देता है आयशा की तरफ पॉइंट आउट करके कि मैंने इससे निकाह कर लिया। आयशा को वैसे चाहिए था कि उसी पॉइंट पर रुकती और यहाँ पर क्लियर करती कि भाई कब किया तुमने मेरे से निकाह, लेकिन वो चुप करके चली जाती है, ना सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस रूम से बल्कि ऑफिस से भी जल्दी चली जाती है। फिर जितना टेंशन में उसको होना चाहिए ना घर जाके, उतनी टेंशन में उसको दिखाया नहीं जाता, क्योंकि निकाह जैसा एकदम से इतनी बड़ी बात कर दी जबकि हुआ भी नहीं, तो वहाँ पर कैरेक्टर का रिएक्शन थोड़ा सा लो था। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा कमाल का काम करने वाली है कि डायरेक्टली अपने बॉस के ऑफिस में आकर यहाँ पर कहेगी कि बेशक मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, थोड़ी सी बेबस, लेकिन दैट डजेंट मीन कि मैं अगर आपके पास जॉब कर रही हूँ तो आपकी हर बात को बर्दाश्त करूँगी, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पर हो सकता है कि बासित उसको कुछ समझाने की, कुछ कायल करने की कोशिश करे, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि बासित को पता है कि आयशा कहाँ पर रहती है, एक दफ़ा उसको ड्रॉप कर चुका है, तो डायरेक्टली उसके घर जाएगा, उसके घर देखेगा और यहाँ पर उसकी माँ से मिलके इस चीज़ का इसरार करेगा कि वो आयशा से शादी करना चाहता है। अब माँ आयशा की शादी के प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है जबकि वो ये बात जानती है कि बड़ी बेटी ने कर लिया अपना बुरा हाल, और यहाँ पर छोटी बेटी अगर कमाना शुरू हुई है तो इसकी शादी कर दी, तो मतलब वही, मतलब सेम सिनेरियो जो यहाँ पर बानो के लिए उसने बनाया था कि अगर इसको शादी करके भेज दिया तो फिर मेरे घर का सर्कल कौन चलाएगा। तो वो आगे से फौरन से उसको ये कह देगी कि आयशा के साथ शादी आपकी कैसे हो सकती है, आयशा तो किसी और को पसंद करती है, मतलब ऑन द स्पॉट उसको रिजेक्शन दे देगी और कहेगी कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो। अब ये चीज़ डेफिनेटली बासित की ईगो को हर्ट करेगी, वो बंदा बिल्कुल भी रिजेक्शन बार बार बर्दाश्त नहीं करने वाला। पहले उसको सोहा की तरफ से
मिली, फिर आप उसको दोबारा बुरा रिएक्शन मिल रहा है आयशा की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं उसकी जिद बन जाएगी कि अब मैंने इसी के साथ शादी करनी है, टिपिकल ड्रामों की तरह। फिर आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट सीन के जहां पर आयशा की माँ शाम को बताएगी उसको कि भाई ऐसे में तुम्हारा बॉस आया था तुम्हारा रिश्ता लेके, जुमा जुमा भी तुम्हें 4 दिन हुए नहीं ऑफिस गए और तुमने वहां पर अपने चक्कर भी चलाने शुरू कर दिए, तो वो माँ को कहेगी कि मेरा मेरे बॉस के साथ कोई चक्कर नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो मेरे में क्यों इतना इंटरेस्टेड है शादी करने के लिए। तो आगे से माँ कहेगी कि हाँ हाँ मैंने तो उसको बता दिया कि तुम किसी और को पसंद करती हो, तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती, मैंने तो खुला इनकार कर दिया। अब ये कहेगा कोई भी मुंह उठा के आएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ शादी करनी है तो मैं फौरन से उसको रिश्ता दे दूं, तो वो आगे से माँ से काफी गुस्सा करेगी कि आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरा किसी और के साथ रिश्ता है या मैं किसी और को पसंद करती हूँ, आप सीधा बस उसको इनकार करती। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन लोगों की बहस होगी, लेकिन फिर आपको ड्रामे का मजीद इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा कि जहाँ पर बासित क्या करने वाला है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली अपनी माँ की हेल्प लेगा, जब माँ उसके पास दोबारा आकर उससे पूछेगी कि तुम इतना अपसेट क्यों हो, क्योंकि उसको 2 दफ़ा रिजेक्शन मिल चुकी है इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद उसके सिर्फ बिहेवियर की वजह से, तो ऐसे में जब माँ पूछेगी तो वो अपनी माँ को कहेगा कि मेरा निकाह नहीं हुआ। अब माँ को पहले भी शक होगा कि मतलब इसका निकाह नहीं हुआ, अगर निकाह हुआ होता तो इसके पास कोई निकाहनामा होता और वो उस अंकल लॉयर को बता भी चुकी होगी ये बात कि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसकी यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी कि माँ को कि हाँ ये वाकई झूठ बोल रहा था। तो फिर उसकी माँ आगे से ये पूछेगी कि क्या तुम आयशा को पसंद करते हो, अगर तुम उसको पसंद करते हो तो मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी उसके साथ शादी करवाने में, अगर तुमने उसी के साथ शादी करनी है, उस लड़की के साथ नहीं करनी जिसको मैंने चूज़ किया था, तो कोई मसला नहीं है, मैं आयशा की तरफ तुम्हारा लेकर रिश्ता चले जाती हूँ। तो आगे से इस चीज़ का ग्रीन सिग्नल दे देगा बासित के हाँ ठीक है आप जाएँ उनके घर जाके रिश्ता मांगे, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ थोड़ी सी लालची है तो आपको कोई ना कोई ऑफर भी देनी होगी। बासित की माँ कहेगी कि तुम बेफिक्र हो जाओ मैं सब समझ चुकी हूँ। फिर आपको दिखाया जाएगा कि बासित की माँ जाएगी आयशा के घर रिश्ता लेकर और यहाँ पर उसकी माँ से बड़े अच्छे से बात करेगी। पहले जब माँ का देखेगी ये रिएक्शन कि ऐसे में मेरे घर तो कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो फौरन से समझ जाएगी कि ये बेसिकली मेरे साथ कोई डील करना चाहती। तो यहाँ पर हो सकता है कि बासित की माँ आगे से ये कह दे कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपका मंथली खर्चा जो है वो मिलता रहेगा इतने लाखों के हिसाब से, कोई उसके सामने इस तरह की ऑफर रखेगी कि मतलब जिसको सुन के फौरन से इसकी माँ हक्की बक्की रह जाएगी और वो कहेगी कि चले ठीक है मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दें। यहाँ पर एक किस्म की वो इस ऑफर को 100% एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन सिर्फ डिस्कस करना चाहती है ये पॉइंट आयशा के साथ। अब जब नेक्स्ट डे आयशा के साथ ये बात डिस्कस करेगी कि इस तरह से उसकी माँ आई थी तुम्हारे रिश्ता लेके, मुझे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और आई थिंक मुझे तुम्हारी उसके साथ शादी करवा देनी चाहिए, तो फिर आयशा को भी बात पता चल जाएगी कि असल में उन लोगों ने अपनी दौलत से खेल खेल लिया है और यहाँ पर मेरी माँ को कोई ऑफर करा दिया। तो वो अपनी माँ को कहेगी कि मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि जॉब करके इस घर का गुजर बसर कर लूँ और आप लाखों के चक्करों में पड़ गई हैं, यहाँ पर आप लालची हो रही हैं, आप क्यों मेरी उस घर में शादी करवाना चाहती हैं जहाँ पर आपने उस बंदे को ये भी सुना दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ जबकि मेरा तो कोई ऐसा चक्कर रहा ही नहीं। जब ये बात करेगी आयशा तो माँ फिर भी उसको इंसिस्ट करेगी कि नहीं तुम्हें उसके साथ शादी करनी है, अगर फाइनली हमारे घर के हालात बेहतर हो रहे हैं तो तुम प्लीज़ इस चीज़ में दरार मत बनो, और यहाँ पर बासित में किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, मुझे कोई ऐसी रीज़न नहीं मिलती जिस वजह से मैं इस रिश्ते को इनकार करूँ। तो माँ रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी और बेटी को फोर्स करेगी कि उसको शादी करनी चाहिए। फिर लेटर ऑन आपको दिखाया जाएगा कि आयशा को ऑफिस में शायद इस बात का भी पता चल जाए कि क्या मजबूरी है, किस वजह से ये बंदा मेरे साथ शादी करना चाह रहा है। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि आपको दिखा दिया जाएगा नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी का सीन, जहां पर बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर में बात करने वाला है बासित आयशा के साथ, क्योंकि इसने उसकी ईगो को हर्ट किया था और यहां पर अगर फर्स्ट टाइम पे ही मान जाती फौरन से शादी के लिए इसकी हेल्प करती तो शायद इसका बिहेवियर कुछ बेहतर होता, लेकिन अगेन इसको बेसिकली यही लगेगा कि शायद ये लोग बड़े लालची हैं और लालच में आके इन लोगों ने मुझे रिश्ता दिया और इसी वजह से आज ये मेरी दुल्हन बनी बैठी है, तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये बनेगी कि यहाँ पर चूंकि पहले से ही आयशा की माँ ने उसको ये सुना दिया कि आयशा किसी और में इंटरेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बात भी खटकेगी कि ये मुझे किसी भी टाइम चीट कर सकती है, तो हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा पोजेसिव या थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रखने वाला या बिल्कुल बाउंड करके रखने वाला हस्बैंड दिखाया जाए और जो बहुत ज़्यादा चीज़ इरिटेट करे आगे जाके आयशा को। स्टार्टिंग में इनके कुछ अच्छे सीन भी दिखाए जाएंगे, कुछ हो सकता है कि इन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, लेकिन फिर आपको ड्रामे के अंदर बड़ा ट्विस्ट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में कि आगे जाके हो सकता है कि आयशा किसी और में इंटरेस्टेड हो या कोई और उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे और यहाँ पर वही सीन बने एग्जैक्टली जो
बासित के बाप का बना था कि मतलब आयशा जो है इंटरेस्टेड हो इसको छोड़ के उसके पास जाने में, और फिर इसको वो बात भी याद आए कि हाँ इसकी माँ पहले से ही बताती थी कि ये किसी और को लाइक करती है। तो जिस इंसान का पहले ही औरत पर बहुत बुरे तरीके से एतबार उठा हो तो वो कैसे दोबारा ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। ड्रामा बेसिकली इसी के अराउंड घूमेगा और आपको इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए दिखाया जाएगा ड्रामे की लास्ट एपिसोड में। इस तरह से चलने वाली है भैया हब्स ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी, मुझे अब ऐसा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों दुआ ज़ाहरा के ऊपर मेरी लेटेस्ट अपडेट क्या है, यहाँ पर क्या रहा मेरा फीडबैक, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना, अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला गया तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।